सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और ये है हल्दी के डेकोरेशन का थोड़ा सा क्लिपिंग जो कि हम लोग थोड़ा घर में डेकोरेट किए थे, तो सबने मिलके कुछ ऐसा डेकोरेट किया था। और ये बैकड्रॉप के लिए हमने सामान मंगा लिया था, तो कुछ जो घर का डेकोरेशन जिन्होंने किया था उन्हीं से ही लगवा लिया था, तो कुछ इस तरह आया था टर्न आउट होके। ये सब मैंने दिवाली पे ही लिया था, तो वो सारा सामान था। और ये जो फूलों का उन्होंने बंच लगाया ये वो लेके आए थे। और ये जो आप देख रहे हो सारा फ्लोरर जो भी है या आर्टिफिशियल, ये सब मैंने मतलब लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। पिज्जा आया नहीं कि तीनों गांधी जी के बंदर टूट पड़े। बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। गांधी जी के तीन बंदर पिज्जा पे टूट पड़े। पिज्जा पार्टी सो फाइनली कुछ इस तरह का सेटअप हो गया था हल्दी का। हम लोग ने किया था ये एक बेंच टाइप की डाल दी थी और ये बैकड्रॉप बनाया था। और ये कुछ अम्ब्रेला मल्टी कलर के जो कि अमेज़ॉन से लिए थे हम लोग ने, वो सब यूज़ कर लिए थे बैकग्राउंड में या कह लो फोटो सेशन के लिए। तो बस ये तैयारी थी और उसके नेक्स्ट डे थी हल्दी, जो कि मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अगर सब कुछ अच्छा लगे तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आगे आप ज़रूर देखिए पूरा हल्दी फंक्शन, शायद ये दो पार्ट में आए क्योंकि लंबा हो सकता है व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा आउटफिट देख के आप समझ गए होंगे कि आज किस बारे में व्लॉग है। तो आज है हल्दी सेरेमनी, तो मैं बस उसी के लिए रेडी हुई हूँ। ये मेरा हल्दी का आउटफिट नहीं है, बट मैंने येलो पहन लिया है मॉर्निंग से ही। अभी बज रहे हैं 9 और होने वाली है कुछ पूजा, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि ये काम रह जाता है और फिर पूरा दिन व्लॉगिंग होती है लेकिन व्लॉग का स्टार्टिंग नहीं होती है, तो मैंने इसलिए व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि हल्दी में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, डेकोरेशन कैसा किया है और एवरीथिंग। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं शायद ब्लॉगिंग तो करूं लेकिन मैं आपसे ज़्यादा बात ना कर पाऊं, मैं ज़्यादा आपको स्क्रीन पे ना देख पाऊं, लेकिन आप होपफुली ब्लॉग एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करेंगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो और सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का फंक्शन और आप लोग के संग, और होपफुली आपको सब कुछ अच्छा लगे। तो सी यू लेटर। दीदी कच्चे पक्के चावल मट्टी लिया, मट्टी उठा लो।
करो। गोल गोल काला काला हो गोल तो पड़ी कमल कट्टा जी है हमारे पास लेडीज में कमल कट्टा दे रहे पंडित जी कमल कट्टा दे रहे एक एक हाँ ऐसे ठीक करो। चलो साबुन साथ धोया जाए, साबुन साथ धोया बस हो गया। मेरे पास तो आ जाओ, हमने चलो साबुन साथ धो नवयन कर दिया। चलो जाओ परी, चलो अब लग जाओ काम पे जल्दी। सबसे ऊपर जा रही है।
मारुति थे मारुति भाई अगर छाप लगवा लीजिए। अरे छुए हैं भाई पांच लोग में। मैं लगा जितने लोग मंडप में रहते हैं सबका होता है। परी देखे इधर, परी देखे इधर, फोटो खींच रहा है, देखो इधर। सो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए और हमारे यहाँ तेल पहले मंदिर में माता जी को चढ़ता है, उसके बाद तेल और तेल दूल्हे पे या दुल्हन पे चढ़ता है और बाकी के आगे फंक्शन होते हैं तेल और हल्दी वाले। तो हम लोग बस वहीं रास्ते में हैं, मंदिर जा रहे थे और यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। और ये बहुत ही फेमस मंदिर है लखनऊ का, गणेशगंज में भुइयन देवी मंदिर है ये, वहाँ पे हमारे यहाँ तेल चढ़ाया जाता है। तो बस हम लोग यहाँ पे माता जी की पूजा करेंगे, तेल चढ़ाएंगे और पूजा वूजा करके फिर हम लोग घर आएंगे। वहाँ पे फिर आगे तेल वगैरह दूल्हे को लगता है या अगर दुल्हन है तो दुल्हन को लगता है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है। तो बस मैंने आपको ये थोड़ी सी मंदिर की एक झलक दिखा दी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर है ये। हम लोग यहाँ के रेगुलर मतलब दर्शन हम लोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है। तो जो लोग लखनऊ से होंगे वो कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे।
है तो बहुत इधर रख लीजिए कटोरी पास में कटोरी रखो बन रहा तो सही बन रहा है पास में बार बार आपको कितने बच्चे हैं एक और नहीं पाँच लोग तो टिक्कू टीका है आपके ना अरे पाँच सात पानी डालते फिर हम लोग यहाँ पे अपने घर के पास वाले एक टेंपल में आए हैं, वहाँ पूजा वगैरह कर रहे हैं। और ये पूजा भी मतलब ज़रूरी होती है, कुछ ये सात गोले बनाए जाते हैं, उस पर पूरा प्रसाद वगैरह लगाया जाता है, पूरी पुआ और ये सब, और अच्छे से इसमें हल्दी से आयपन जिसे बोलते हैं और गेहूँ से पूजा वगैरह की जाती है। तो ये बस मेरी मदर इन लॉ हैं और ताई जी हैं, ताई सास है मेरी, और ये जेठानी हैं ताई जी की बहू, और हम लोग बस सब लोग घर के लोग पूजा कर रहे हैं। मेरी दीदी भी थी और परी भी थी साथ में, तो बस हम लोग सब लोग पूजा करके अब बस घर जाएंगे।